उन्नाव में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। इस दौरान शहर में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। सुरक्षा की दृष्टि से जिले को 8 जोनल मजिस्ट्रेटों और 20 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया। वहीं जामा मस्जिद के आसपास पुलिस और पीएससी की बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई थी। साथ ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। वहीं जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार, एसपी दिनेश त्रिपाठी ने नमाज के दौरान पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट करते हुए खुद भी निगरानी की। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट खुद गश्त करते रहे। वहीं शहर काजी ने सभी लोगों से अमन चैन कायम रखने की अपील की। शहर काजी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि आज जुमे का दिन है, जिसके लिए वह लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि अमन चैन का माहौल बनाकर रखें, किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। आप जैसे दुकान खोलते हैं वैसे ही खोलें। नमाज अदा कर आप सीधे घर या अपनी दुकान पर जाएं, अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें। ये शहर हमारा है, ये मुल्क हमारा है, नफरत नहीं मोहम्मद का पैगाम दें। लोगों के धर्म गुरुओं से हम लोगों का निरंतर संवाद रहा है और सभी ने मिलकर ये आश्वस्त किया है कि उन्नाव में जैसा सामंजस्य, समन्वय से और गंगा जमुनी तहजीब से हम लोग रहते आए वैसे ही रहेंगे। कहीं किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं होगी। हम लोग लगातार उनके संपर्क में हैं और उन्नाव में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिर भी प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है, पूरी तरीके से शांति, कहीं कोई समस्या नहीं। देखिए, हम लोगों ने कुछ अराजक तत्व हैं, कोई शरारत ना करें उससे निपटने के पूरी तरीके से इंतज़ाम है। सेक्टर स्कीम लागू है, वरिष्ठ अधिकारी, अन्य अधिकारी सभी आज फील्ड में तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात है, चूँकि विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं ने भी पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार का कोई आयोजन उनकी तरफ से नहीं है, बिल्कुल सामान्य जनजीवन चलेगा। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सामान्य जनजीवन है और उन्नाव में सभी लोग मिलजुल कर सांप्रदायिक सद्भाव और समन्वय रखते हुए शांति से काम चल रहा है। कथित तौर पर जो पोस्टर जारी किया गया था उसमें जो आपने शरारती तत्व की बात कही, कोई सामने आया, किसने जारी किया था, कौन था? देखिए, उसकी जांच चल रही है। अगर कोई शरारत करेगा, कोई जानबूझ कर अराजकता करेगा तो बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज जुमा का दिन है, मैं शहर के तमामी हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात अमन चैन का माहौल बना के रखें और किसी अफवाह पर ध्यान न दें। ये जैसे दुकान आप खोलते थे आज भी दुकान खोलिए, जुमा की नमाज़ पढ़ने जाइए अपने मोहल्ले की मस्जिद में। नमाज़ पढ़ने के बाद सीधे या तो अपनी दुकानों की तरफ अपना रुख करें या तो अपने मकानों की तरफ। किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, शहर के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यह शहर हमारा है, यह मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के बाशिंदा हैं। नफरत नहीं बल्कि मोहब्बतों का पैगाम करें और आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम आम करें ताकि हमारा मुल्क सलामत रहे।